أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویورز کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہیں میں بنانے لگی ہوں قیمہ مٹر یہ میں آئل ڈالنے لگی ہوں بسم الله الرحمن الرحيم آدھا کپ آئل ہے بسم الله मैं ये ज़ीरा डालने लगी हूँ ये दो अदद प्याज हैं ये डालने लगी हूँ इनको मैंने धो के रखा हुआ है सारी चीज़ों को बिस्मिल्लाह प्याज को हल्का ब्राउन करना है प्याज का कलर हल्का ब्राउन हो चुका है अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालने लगी हूँ बिस्मिल्लाह हो गया ये 2 टीस्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट है इसको 1-1.5 मिनट तक भूनना है इसमें सब्ज मिर्चें डालने लगी हूँ 3-4 सब्ज मिर्चें हैं बिस्मिल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक और शेयर भी करना अपनी दुआओं में मुझे याद भी रखना अल्लाह ताला आप सबको भी लंबी उम्र अता फरमाए अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए आप सब जहाँ जहाँ भी हैं अल्लाह ताला सबको खुश रखें आबाद रखें आमीन सुम्मा आमीन ये टमाटर डालने लगी हूँ 2 अदद टमाटर हैं नमक डालने लगी हूँ 1 टीस्पून नमक है 1/2 टीस्पून हल्दी है ये भी साथ डालने लगी 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च है ये भी डालने लगी अगर आपको लगे कि हांडी नीचे लग रही है थोड़ा सा पानी डाल लें ये 1/2 किलो मटन कीमा है इसमें डालने लगी हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
अब ये मटर डालने लगी हूँ, आधा कप मटर है। बिस्मिल्लाह, तो 6-7 मिनट अच्छी तरह भूनना है। सात से आठ मिनट तक मैंने अच्छी तरह इसको भूना है। अब थोड़ा सा पानी लगा के इसको हल्की आंच पे दम दूँ ताकि अच्छी तरह मटर और कीमा दोनों चीज़ें गल जाएं। आठ मिनट तक तकरीबन मैंने इसे बंद रखा है। अब माशाल्लाह अच्छी तरह से गल चुका है। इस तरह की लंबे साइज की अदरक काट के इसमें डाल देना। बिस्मिल्लाह, मुझे ये बड़ी पसंद है इस तरह की। थोड़ा सा धनिया शामिल करने लगी। बड़ी प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। बड़े मज़े के मटर और कीमा तैयार हैं। अल्लाह हाफिज़।